हेलो गाइस, पढ़ाई टाइम में आपका स्वागत है। आज हम अपने वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे, किस तरीके से फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है, उसका नाम फिफ्थ रिपब्लिक क्यों है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो फ्रांस का करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 4 अक्टूबर 1958 को अडॉप्ट किया गया है। इसमें फोर्थ रिपब्लिक को जो है रिप्लेस किया गया है, और जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फिफ्थ रिपब्लिक बोला जाता है, क्योंकि ये पांचवी बार आया है, ठीक है। अब इसको चार्ल्स डी गोले ने इंट्रोड्यूस किया है और माइकल डाबरे ने इसको ड्राफ्ट किया है। सिंस देन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड 24 टाइम थ्रू 2008 तक 24 टाइम ये अमेंड हो चुका है। और द प्रियम्बल इसका जो कहता है, प्रियम्बल क्या होता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या होता है, उसके आइडियल और उसके ऑब्जेक्टिव बताता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसका प्रियम्बल क्या कहता है कि जो फ्रांस है वो एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, जो अपनी सॉवरेनिटी कहाँ से लेती है, उसकी सॉवरेनिटी उसके लोगों से होती है, जिस तरीके से मतलब यहाँ के लोग अपनी सरकारें खुद चुनते हैं, अपनी सरकारों का सिलेक्शन खुद करते हैं, और यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और पार्लियामेंट के भी इलेक्शन होते हैं। तो ये देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री। आगे हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें मेथड बताए गए हैं उसको अमेंड करने के, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के कुछ मेथड बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है रेफरेंडम। रेफरेंडम के द्वारा आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। रेफरेंडम क्या होता है कि 1 लाख जो लोग होंगे वो वोट करेंगे, ठीक है, अमेंड करने के लिए, कोई भी अमेंडमेंट उसे करना है उसके लिए वहां के लोगों से पूछा जाएगा। तो रेफरेंडम या पार्लियामेंट्री प्रोसेस, पार्लियामेंट ही उसको अमेंड कर सकती है। और इसके बाद आपको कंसेंट की किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको प्रेसिडेंट की कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर अमेंडमेंट के तरीके खुद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। कुछ प्रिंसिपल हैं जो रिटन हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या प्रिंसिपल हैं, सबसे पहले सोशल वेलफेयर। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि हर किसी का सोशल वेलफेयर होगा, उन्हें फ्री पब्लिक सर्विसेज दी जाएंगी, और जब भी उन्हें हेल्प की ज़रूरत होगी उनकी हेल्प की जाएगी। लेसिसाइट, इसका मतलब है कि जो चर्चेस होंगी वो स्टेट से अलग होंगी, उनकी सेपरेट अथॉरिटी होगी, सेपरेट चर्चेस स्टेट से सेपरेट होंगी, जिससे सबके रिलीजन यानी जितने भी धर्म हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी रिलीजियस भावनाओं को ठेस न। यहाँ पर देखिए, डेमोक्रेसी है जिसमें लोग अपनी सरकारें खुद चुनेंगे, हैं जिनको लोगों के द्वारा चुना जाता है वो पार्लियामेंट में बैठते हैं और लोगों के हित के लिए काम करते हैं। इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि फ्रांस के जो लोग हैं वो यूनाइटेड हैं और उनके ऊपर एक ही लैंग्वेज होगी जो होगी फ्रेंच, ठीक है, और वो जो लोग हैं हर इंसान जो है इक्वल होगा फ्रांस में। मेन फीचर है इस कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या क्या फीचर है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसके क्या फीचर हैं। रिटन ब्रीफ और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया और यूएसए की तरह यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले इसमें क्या हुआ करते थे, प्रियम्बल के साथ साथ 92 आर्टिकल्स भी हुआ करते थे, बट अल्जीरियन इंडिपेंडेंस के बाद इसमें 89 आर्टिकल्स रह गए। कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल है जो इसके ऑब्जेक्टिव और आइडियल्स की बात करता है। पॉपुलर सॉवरेनिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 ये बात करते हैं कि यहाँ की सरकारें जो होंगी वो लोगों के द्वारा चुनी जाएंगी, लोगों के लिए होंगी और लोगों से होगी। तो ये आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 यहाँ की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है। आगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ, ये बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा सुप्रीम लॉ होगा, और जितने भी ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के वो अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से उनकी पावर होगी, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्रांस एक सेकुलर कंट्री, सेकुलर स्टेट है, इसका पता आर्टिकल 2 बताता है कि फ्रांस में किसी भी इंसान के साथ ओरिजिन, रेस और रिलीजन के बेसिस पर भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 89, इसको अमेंड करने का तरीका बताता है, और इसको अमेंड करना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है।
मिक्सचर है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल सिस्टम का। मिक्सचर किस तरीके से है कि इंडिया की तरह यहाँ का प्रेसिडेंट हेड तो है कंट्री का, बट एक सिर्फ नॉमिनल हेड है, बट उसके साथ साथ प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसे रियल एग्जीक्यूटिव पावर हैं जिनको वो एक्सरसाइज कर सकता है, इसलिए इसको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल सिस्टम बोला गया है। उसके साथ बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल पार्लियामेंट है। देखिए इसमें बाइकैमरल क्यों बोला गया है कि यहाँ पर भी दो हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस वो जहाँ पर डायरेक्टली लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं, और अपर हाउस वो जो कि इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद राइट ऑफ फ्रेंच पीपल, लोगों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल फर्स्ट इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल बोलता है कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हर किसी के लिए होगी। आर्टिकल 3 और 4 कुछ पॉलिटिकल राइट देता है, राइट टू वोट एंड फॉर्म अ पॉलिटिकल एसोसिएशन, यानी कि लोगों के पास वोट करने का अधिकार है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का भी अधिकार उनके पास है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की। तो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, उसका काम क्या है कि पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बना रहा है तो उस लॉ की वैलिडिटी को चेक करेगी, क्या वो लॉ सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रवीन तो नहीं करता। तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का काम है कि वो किसी भी लॉ की वैलिडिटी को चेक करेगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में 9 मेंबर होंगे जिनका टेन्योर 9 ईयर का होगा, और जिसमें से 1/3 मेंबर्स को हर 3 साल में रिटायर कर दिया जाएगा, हर 3 साल में रिटायर कर दिया जाता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में 9 मेंबर्स होते हैं जिनका टेन्योर 9 ईयर का होता है, जिसमें से 1/3 मेंबर्स को हर 3 साल में रिटायर कर दिया जाता है। एक इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल भी है यहाँ पर, जिसको आर्टिकल 69, 70 और 71 के अकॉर्डिंग फॉर्म किया गया। और इसका जो 16th फीचर है, ये बोलता है कि जो सिविल सर्वेंट होंगे उनके केसेस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाएंगे, और जो ऑर्डनरी सिटीजन्स होंगे उनके केसेस जो है ऑर्डनरी कोर्ट में जाएंगे। और जो उसका यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी अपनी पावर ड्राइव कहाँ से करती हैं, वो करती हैं गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस से, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं करती हैं। पार्टी सिस्टम है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा होता, मतलब हमारे में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टीज के बारे में लिखा हुआ है कि आप कोई भी ग्रुप बना सकते हो।